हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हेउछि 17 डिसेंबर शुक्रवार। आज मु आपणक पाखकु ओडिसा तथा देश विदेशर 20 टी गुरुत्वपूर्ण खबर नै आसीछि, जहां आपण माने जानिबा निहाति आवश्यक। ई श्रम कार्ड ठु आरंभ करी कालिया योजना, पीएम किसान योजना पर्यंत, ता सहित आजर पाणीपाग, सुनादर, कोरोना अपडेट, आहुरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रहिछि। सेथिपाई आपणक वीडियो को शेष पर्यंत देखिबाकु पड़िबो। प्रथम खबर, तृतीय लहर निश्चित। कोरोनार तृतीय लहर को केहि अटकाई पारिबे नाही, निश्चित आसीब कोरोनार तृतीय लहर। देशरे ओमिक्रॉन संक्रमितक संख्या बढ़ुतिबा बेले एभळी चांचल्यकर तथ्य देइछंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ। एभळी समय रे कोरोनार बूस्टर डोज दियाजिबा नै रोड मैप प्रस्तुत करजिबा आवश्यक बोली मत देइछंती विशेषज्ञ। परवर्ती खबर, बढ़िला झियंक विवाह बयस सीमा। बदलिला झियंक विवाह बयस सीमा, 21 वर्ष पूर्वरु झियंक विवाह मना। सबु धर्म और वर्ग पय लागू होईछि एही नियम। एही नुआ नियम रे केन्द्र कैबिनेट मोहर मारिथिबा जणा पडिछि। सूचना अनुजाई नरेन्द्र मोदी 2020 स्वाधीनता दिवस अवसर रे एही घोषणा करिवार एक वर्ष परे बुधवार केन्द्र कैबिनेट का संकल्प पारित करी महिला मानक पय विवाहर बयस 18 रु 21 वर्ष को बढाई दैछथि। परवर्ती खबर, 6131 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। राज्यर शिक्षा इतिहास रे दिनटी सबुबेले स्मरणीय होई रहिबो। नवीन ओडिशा गठन दिगरे एक जुगांतकारी पदक्षेप स्वरूप राज्यर शिक्षा और स्वास्थ्य एही दुईटी जाक क्षेत्रर विकास उपरे राज्य सरकार प्राथमिकता दे आसिछंती। सारा राज्यर सबु जिल्लारे विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन तथा प्रथम पर्यायर 5 हाईस्कल ट्रांसफर्मेसन कार्यक्रम 1075 स्कूल रूपातर पर आउ एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप्रे राज्य सरकार एकाथर के 6131 जन शिक्षकों निजुक्ति देछंती। परवर्ती खबर, ऑफलाइन रे यूजी पिजी परीक्षा निष्पत्ति परे चिंतारे छात्र छात्री। यूजी पिजी रे आउ हेबनी ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन मोड रे करा जीव सबु परीक्षा। सबु कुलपति और डिग्री कॉलेज अध्यक्ष को उच्च शिक्षा विभाग सचिवों निर्देश परे आशा आशंकर छात्र छात्री। तार कारण देश में बढ़ी चलता ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या, किसी छात्र छात्री एथिपाई ऑफलाइन परीक्षा सह ऑनलाइन व्यवस्था मध्य जारी रखा को उच्च शिक्षा विभाग निकट रे दाबी रखिछन्ति। सेपटे कोरोना कटकणा भितरे ऑफलाइन परीक्षा को स्वागत करिछन्ति आउ किछि पिला। परवर्ती खबर, एसबीआई रा ग्राहकों को लागिला बड़ झटका, बैंक पक्षरु बढ़ाई दियागला ऋण दर। देशर सबुठू बड़ सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक पक्षरु ग्राहक मानंकु बड़ झटका। एसबीआई नुआ ऋण दर बढ़ाइबार घोषणा करिछि। बुधवार दिन ठारु एही ऋण दर लागू करा जायछि। वर्तमान ग्राहक माने 0.10% हिसाब रे ऋण देबे। एहा सहित बैंक पक्षरु प्राइल लैंडिंग रेट को मध्य बढ़ाई दिया जायछि और एहा 10% रु वृद्धि पाई 12.30% कर दिया जायछि। नुआ दर 7.55% हेबो। परवर्ती खबर, आसुछि पौर निर्वाचन, नेतांक मनरे कुहुळुछि असंतोष। पौर निर्वाचन लागि जोरदार प्रस्तुति। प्राय 3 वर्ष बिना जनप्रतिनिधि रे पौर संस्थागुडिक परिचालन हेबा परे एबे निर्वाचन पई अंटा भिडिछन्ति सरकार। पंचायत भोट परे परे हेबो पौर निर्वाचन। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर पई गाइडलाइन। पुरी श्रीमंदिर पई श्रीमंदिर प्रशासन सानी गाइडलाइन जारी करिछि। सकाळ 5:30 राति 9:30 जाए श्रीमंदिर खोला रहिबो। साधारण दर्शन पाई श्रीमंदिर जितेबेले खोला रहिबो एही समय रे श्रद्धालु श्रीजीवंकु दर्शन करिपारिबे। परवर्ती खबर, राज्य रे कोरोनारो सुस्थ हेले 166 आक्रांत। खोर्धा जिल्लारु सर्वाधिक 63 जण। राज्य रे 166 जण आक्रांत कोरोना वायरस महामारी रो सुस्थ होइछंती। एथिरे खोर्धा जिल्लारु सर्वाधिक 63 जण अछंती। एथिसहित राज्य में कोरोना सुस्थ होइतिबा आक्रांतों संख्या 10,42,002 पहुंची। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर यह सूचना दि जा। परवर्ती खबर, 30 जिले में विजु स्मार्ट कार्ड पहुंचा पर प्रश्न, कार्डधारी को किभली मिलू चिकित्सा। राज्यर 30 जिले में विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रचलन होई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड देवे ओडिशा देशर प्रथम राज्य होई।
तेबे लोकों मनरे एहाकु नेई एबे भी संशय रही क्यों रोग रेफरल पैकेज अधीन रही क्यों रोग हेले केवल सरकारी डाक्तरखाना चिकित्सा सेवा मिल रोगी ए डाक्तरखाना से डाक्तरखाना को दौड़ी हेउछन्ती। परवर्ती खबर इस्पात और खणि विभाग 15 जन कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव दुई दिन कार्यालय बंद। इस्पात और खणि विभाग 15 जन कर्मचारी गुरुवार दिन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। कोरोना वायरस नुआ वेरिएंट ओमिक्रॉन पाई समस्त चिंता थिबा बेले एककालीन गोटे विभाग 15 जन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइथिबारु कर्मचारी माने भयभीत हो जाइछन्ती। परवर्ती खबर 99 बहुमुखी इंडोर स्टेडियम भित्तिप्रस्तर स्थापन क्रीड़ाविद को नवीन को नुआ वर्ष भेटी विभिन्न जिले में क्रीड़ा प्रकल्प समूह उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एही उपलक्षे भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम ठारी स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजित होता। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत 5T सचिव के पांड्यान एथिरे सामिल होते। यह अवसर में 99 बहुमुखी इंडोर स्टेडियम पर मुख्यमंत्री भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछंती। पीएफ अकाउंट थिले मिलिब 50,000 मानिबाकु पड़िब एही नियम। पीएफ अकाउंट थिले मिलिब 50,000 टंकार अतिरिक्त बोनस। ईपीएफओ पक्षरु एमिती किछि योजना रहिछि जहाँ संपर्क में बहुत कम लोक जानिथांती। एमिती एक योजना हेउछि एडिशनल बोनस। पीएफ अकाउंट रू पेंशन एवं बीमा परी सुविधा मिलुथिबा बेले एडिशनल बोनस संपर्क में बहुत कम लोक जाना थाए। एही सुविधा द्वारा संगठित क्षेत्र में काम करुथिबा कर्मचारी को 50,000 टंकार अतिरिक्त बोनस मिलिथाए। तेबे एही अर्थ हासिल करिबा पई ईपीएफओ पक्षरु किछि शर्त रखा जाइछि। कौन रही शर्त एडिशनल बोनस राशि 50,000 टंका मिलुथिबा बेले एहाकु लॉयल्टी बोनस मध्य कुहा जाए। 20 वर्ष जाए पीएफ अकाउंट रे अर्थ जमा करुथिले एही सुविधा मिलिबो। जदि आपणक बेसिक सैलरी 5,000 ताहेले 20 वर्ष परे आपणक 30,000 टंकार एडिशनल बोनस प्रदान करिबो ईपीएफओ। जदि बेसिक सैलरी 5-10,000 मध्ये थाए ताहेले 20 वर्ष परे आपणक 40,000 टंका एवं 10,000 उपरे बेसिक सैलरी थिले 20 वर्ष परे आपणक 50,000 टंकार एडिशनल बोनस प्रदान करा जिवो। तेबे 20 वर्ष पूरण होबा पूर्वरु जदि कौनसी कर्मचारी विकलांग हो जाउछंती ताहेले बेसिक सैलरी हिसाब रे ही आपणकु एही अर्थराशि प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर बैंक कर्मचारी को दुई दिनिया धर्मघट 4 दिन बंद रहिबो कारोबार। गुरुवार और शुक्रवार दुई दिनिया बैंक धर्मघट। सरकार बैंक घरोईकरण विरोध में बैंक यूनियन गुड़िक दुई दिनिया धर्मघट घोषणा करिछंती। धर्मघट द्वारा गतकाली और आज बैंक सभा प्रभावित होई। तेबे आसंता शनिवार मासर तृतीय शनिवार होइथिबारु बैंक गुड़िक खोला रहिपारे। परवर्ती खबर रेभेन्सा 4 एकर जमि में परिबा हाट घटना। जमी हस्तांतर को विरोध कर पुरातन छात्र पक्षर स्मारकपत्र। रेभेन्सा विश्वविद्यालय 4 एकर जमि में छत्रबजार परिबा मार्केट निर्माण को विरोध कर विश्वविद्यालय पुरातन छात्र पक्षर कुलपति को एक स्मारकपत्र प्रदान कर ओडिशा फार्मर स्टूडेंट लीडर्स फोरम तरफ रेभेन्सा कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार नायकों को दावीपत्र दिया जाएगी।